हमेशा आप लोग हमसे पूछते हैं कि रैकेट यही रैकेट लाहौर में पड़ा है या पेशावर में पड़ा है या किसी दूसरे के पास, इसकी रैकेट का की प्राइस ज़्यादा है या उसकी कम है। तो सारे रैकेट एक जैसे नहीं होते, इसी वजह से जो मैंने रैकेट मंगवाए हैं आप देख सकते हैं, मैं वन बाई वन ये आपको दिखा दूँगा और क्लोजअप से कोशिश करूँगा कि आपको नज़र आ जाए। ये अभी आप इसमें देख सकते हैं, ये जिस पे ब्लू स्टिकर लगा ये वाला, इसकी शेफ्ट अगर देख ले तो ये बिल्कुल बारीक है, इसकी अगर आप शेफ्ट देख ले तो ये मोटी शेफ्ट है। इसकी जो शेप है ये वाला, ये एग्जैक्टली वही जो स्टॉक 140,000 का मिलते हैं वही शेप है, ये उससे मिलता जुलता शेप है, एग्जैक्टली वही शेप उन्होंने मेंटेन नहीं रखी। इसमें दो कलर्स हैं और एग्जैक्टली वही फ़र्क है, ये देख ले स्ट्रोक Z100, ये आप देख सकते हैं, ये इसका जो ये जो ब्लू स्टिकर के साथ है, इसका जो ये शेफ्ट है ये बिल्कुल बारीक है, इसका जो ये शेफ्ट है ये मोटा है। तो ये दोनों फर्स्ट कापियाँ हैं, लेकिन इसमें भी फिर जो होती है ना बात आ जाती है कि कोई वो ज़्यादा मैच करते हैं ओरिजिनल रैकेट से। तो ये कैटलॉग में भी हैं, प्राइस भी उधर हैं, सारी डिटेल हमने दी है कैटलॉग में, लेकिन लोग क्वेश्चन करते हैं एक महंगा क्यों है एक सस्ता क्यों है, तो इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई। एक ही प्राइस 3900 है, दूसरी की 4500, लेकिन ये 600 की डिफरेंस जो आती है वो मैंने आपको शेप में दिखा दी कि मैटर करते हैं, शेप वो अल्ट्रा स्लिम है और दूसरा जो है वो स्टैंडर्ड है, तो इसी वजह से ये फ़र्क पड़ता है। शुक्रिया।